सावन महीने का सातवां सोमवार है, नागपंचमी और सोमवार का संयोग बना है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए रात 12 बजे से श्रद्धालु लाइन में लगना शुरू हो गए। रात 2:30 बजे भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खोले गए। भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर भस्म रमाई गई। पट खुलने के बाद बाबा महाकाल को पंडित पुजारियों ने नियमानुसार जल चढ़ाकर दूध घी शक्कर और पंचामृत अभिषेक किया। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव है। सोमवार को भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर में बूंदाबांदी का अनुमान है। रतलाम छिंदवाड़ा समेत 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। नर्मदापुरम के तवा बांध के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इधर खंडवा के इंदिरा सागर बांध लबालब हो गया। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ के हिस्से में लो प्रेशर एरिया एक्टिव था, साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था। मध्य प्रदेश में भाजपा ने हारी हुई जन 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, उनमें से 10 पर बगावत के सुर तेज हो गए। विधानसभा चुनाव 2018 में बागियों ने भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए, लिहाजा इस बार वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया। इसके बावजूद कुछ सीटों पर असंतुष्टों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पिछले चुनाव में बागी बने और पार्टी छोड़ चुके लोगों को टिकट देने से भी कई सीटों पर भाजपा में नाराजगी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उसके बावजूद निवेशक यहाँ आना नहीं चाहते। लोग यहाँ आने से डरते थे, उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों में भय पैदा होता था। पर नीति आयोग और RBI की रिपोर्ट देखें तो पता चलेगा कि 6 वर्ष में यूपी देश का सर्वाधिक निवेश वाला राज्य बन गया। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रह गया। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने फिर छापेमारी की है। रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग भिलाई में सट्टा कारोबार से जुड़े 8 लोगों के घर छापा मारा गया। रायपुर में 3 जगहों वॉल फोर्ट सिटी, स्वर्णभूमि और अशोका रत्न में रेड मारी गई। अशोका रत्न में रहने वाले ज्वेलरी और पेट्रोल पंप संचालक के 2 ठिकानों पर दबिश दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रविवार शाम से एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि यहां के लहरोपर गांव इलाके में 2 से 3 आतंकी एक मकान में छिपे हुए हैं और यहां से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे हैं। पुलिस को शाम 7:30 बजे सूचना मिली कि पुलवामा के परिगाम गांव में कुछ आतंकियों को देखा गया। पुलिस ने सेना और CRPF के जवानों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट ने अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देखने और इन रिपोर्ट्स पर जवाब देने को कहा। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की कमेटी बनाई थी। कारों की सुरक्षा के लिए अब तक कारों को विदेशी संस्थाओं की ओर से टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब भारत में जल्दी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और इससे ग्राहकों को किस तरह से फायदा होगा। केंद्र सरकार की ओर से इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2023 से होगी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ चाइना सी में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करने की घोषणा की है। ये वो इलाका है जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है और दूसरे देश के जहाजों को आने से रोकता है। 5 अगस्त को चीन ने इस इलाके से गुजर रहे फिलीपींस के जहाज पर वाटर कैनन से वॉर कर दिया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री डील की जानकारी फिलीपींस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने ही दी है। महात्मा गांधी पर अब तक तमाम फिल्में बन चुकी हैं। अब निर्देशक मनीष किशोर गांधी जी पर वेब सीरीज द गोस्ट ऑफ गांधी लेकर आ रहे हैं। ये वेब सीरीज 8 एपिसोड की होगी। सीरीज में महात्मा गांधी का रोल सुरेंद्र राजन निभाएंगे, जबकि डेजी शाह पत्रकार की भूमिका में होंगी। इसके अलावा शारदा भाष में शर्मन जोशी भी सीरीज में दिखेंगे।